फ्री में खाना खाया तो कुछ तो करेंगे। इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है, तो ऐसे में बेगानी शादियों में दीवाने होने वाले अब्दुल्लाओं का सक्रिय होना भी लाजमी है। ऐसा नहीं है कि पहले लोग बिना बुलाए शादियों में खाना खाने नहीं पहुंच जाते हों, ऐसा आपने भी बहुत बार देखा होगा, जिसमें आपकी मुलाकात भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने से हुई हो। जबकि बच्चे तो अक्सर गैंग बनाकर ऐसी ही शादियों में पहुंच जाते हैं, और सब कुछ जानने के बाद भी मेजबानी करने वाले आयोजक भी इसे खुद का ही सौभाग्य समझते हैं। मगर ये वायरल दुनिया का दौर है, यहाँ कुछ भी हो तो वायरल हो जाता है। हाल ही में दो अलग अलग राज्यों से एक ही जैसी खबरें सामने आई हैं, जिनमें एक वीडियो आपका मन दुखी कर देगा, जबकि दूसरा वीडियो आपका दिल खुश कर देगा। कैसा लग रहा तुम्हें प्लेट धोते हुए? फ्री में खाना खाया तो कुछ तो करेंगे। एमबीए कर रहा हो तो घर वाले पैसे भी तो पहुंचाते होंगे ना तुम्हें, खाना खाने के लिए भी है? मैं बड़ा शानदार आदमी है, पढ़ा लिखा है, एमबीए करने आए हैं भोपाल, जबलपुर से आए, सम्राट कुमार नाम है इनका। और एक दावत में आई था, फ्री में खाना खाया इन्होंने घुस के चोरी छुपके से, वो पकड़ा गए, अब प्लेटें धो रहे हैं। आपने मन से क्या आपके शादी में हम आए? हाँ हाँ, और हमको पता नहीं आपका नाम क्या है, घर कहाँ है। सही सही। हम हॉस्टल में रहते हैं, हमको भूख लगा था। अच्छा, हम आ गए यहाँ पे खाने, आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसे चल रहा था वहाँ पे। अच्छा, तो हम सोचे क्या कि घुस के खा लेते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, बनाए नहीं थे। अच्छा 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 अच्छा, तो इसीलिए हम सोचे एक बार आपको बोल दें। ऐसे शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, एकदम बस यही बोलना था। अब अपना हॉस्टल के लिए भी लेते जाना, ठीक है खा लेते हैं, ठीक है। का बच्चा लोग के लिए भी गाल लेते जाना, एकदम एकदम ठीक है भैया। पहला मामला मध्य प्रदेश से है। वीडियो में बर्तन की धुलाई करता दिख रहा शख्स एमबीए का छात्र बताया जा रहा है। वो जबलपुर का रहने वाला है, जो कि एक शादी में खाना खा रहा था। दुल्हन पक्ष के लोगों ने देखा तो वो उसे पहचान नहीं पाए। लोगों ने उससे पूछताछ की तो उसका राज खुल गया। पूछताछ में उसने बताया कि वो वहाँ से गुजर रहा था, भूख लगने पर वो शादी में खाना खाने घुस गया। वीडियो में लोग उससे कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जिस तरह से घर पर बर्तन धोते हो उसी तरह बर्तन धोना। आगे वीडियो बनाने वाले ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? इस पर युवक जवाब देता है कि फ्री का खाया है तो बर्तन तो धोने ही पड़ेंगे। दरअसल शादी में मौजूद लोगों ने पीड़ित को जुर्माने के तौर पर बर्तन धोने की सजा दी। वही दूसरा मामला बिहार से है। दरअसल इन दिनों बिहार का भी एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एमबीए का छात्र किसी की शादी में बिन बुलाए खाना खाने पहुंच गया। इतना ही नहीं, वीडियो में वो दूल्हे के बगल में बैठकर उससे बात करता नजर आ रहा है। इस दौरान वो दूल्हे से परमिशन लेता है कि वो हॉस्टल में रहता है और खाना खाने यहाँ आया है, आपको कोई परेशानी तो नहीं? इस पर दूल्हे ने जो जवाब दिया उसने लोगों का दिल जीत लिया है। ऐसे में लोग इस मामले की तुलना मध्य प्रदेश से सामने आए दूसरे वीडियो से कर रहे हैं, जहां लोगों ने बिन बुलाए शादी में आए एक शख्स से बर्तन धुलवाए थे। लोग बिहार के इस दूल्हे की खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में लड़का शादी में दूल्हे के पास स्टेज पर बैठा दिखाई दे रहा है। इस दौरान वो दूल्हे से कहता है, मैं अपने मन से यहां आया हूं, मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, घर कहां है, मैं हॉस्टल में रहता हूं, मुझे भूख लगी थी, यहां खाने चला आया, आपको कोई दिक्कत? ऐसे में दूल्हा बेहद खुश होकर बोलता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लड़के के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वो दूल्हे को शादी की शुभकामनाएं देने लगता है। इसके बाद दूल्हा कहता है कि अपने हॉस्टल के बच्चा लोगों के लिए भी खाना ले जाना। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि दूल्हे का ये जवाब सुन लड़का मुस्कुराने लगता है। अब ऐसे में अब हमारा सवाल आपसे है, जिसका जवाब आप पूरी ईमानदारी से देना, कि क्या आपने भी कभी बिना बुलाए किसी शादी के आयोजन में खाना खाया है? अगर हाँ तो कमेंट लिखकर बताओ। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।